चीनी आयात पर लगाम लगाने की तैयारी, उद्योग जगत के साथ शुरू हुआ सरकार का मंथन। भारत का खुलकर समर्थन कर रहा अमेरिका, कहा चीन पड़ोसियों पर उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। भारत में टिकटॉक बैन पर सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसी दी अंतिम विदाई, खूब लिए जा रहे मजे। खत्म हुआ राफेल का इंतजार, अगले महीने फ्रांस से होगी 6 राफेल विमानों की होगी डिलीवरी। समुद्र में भी चीन की चाल को रोकने की तैयारी, नेवी ने उठाया बड़ा कदम। टिकटॉक सहित 59 ऐप बैन, लोगों को मिला अब चैन, लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की खुशी। भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने होगा शुरू। चीन पर जारी रहेगी डिजिटल स्ट्राइक और कई चीनी ऐप पर लग सकती है पाबंदी। चीनी ऐप बैन पर कैट ने जताई खुशी, कहा सरकार को 7 करोड़ व्यापारियों का सपोर्ट। भारत ने चीनी ऐप को बैन किए जाने पर बौखलाई चीनी मीडिया, बौखलाई सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिका की नकल करने वाला बताया। कोरोना रोकने के लिए उड़ीसा सरकार की पहल, क्वारंटीन पूरा करने पर मिल रहे 2000 रुपये। टिकटॉक बैन पर टिकटॉक इंडिया के हेड निखिल गांधी ने कहा, हम इस प्रतिबंध के लिए सरकार से जल्द ही बात करने वाले हैं। चीन से तनाव के बीच राहुल गांधी ने शेयर किया मोदी विरुद्ध मनमोहन ग्राफ, कहा आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बाइक ऑटो रिक्शा ट्रक सबकी लंबाई चौड़ाई बदलेगी, सरकार ने दी मंजूरी। पत्नी का सिंदूर और चूड़ी पहनने से मना करना, मतलब शादी अस्वीकार, गुवाहाटी हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, ईरान ने मांगी इंटरपोल की मदद। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक, नागालैंड में 15 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, अनलॉक 1.0 की कल आखिरी तारीख। चीन की धोखेबाजी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब, गलवान घाटी में भारत ने तैनात किए T-19 टैंक। चाइनीज ऐप बैन पर बोली कांग्रेस, फैसले का स्वागत है लेकिन और सख्त फैसले लेने की जरूरत। चीन के 59 ऐप पर लगे प्रतिबंध के पीछे सोनम बंगचुंग का बड़ा योगदान, देश दुनिया से की थी ये अपील।